नेक्स्ट व्लॉग के लिए कुछ प्लेसेस देखते हैं, प्लेसेस टू विजिट इन यूरोप, इन बेल्जियम। ब्रूज, ब्रसल्स, डन, एंटोप में तो रहता हूँ, गेंट, उस्टेंड, डिनांत, दरबाय डन, वाटरलू, बेल्जियन टाउन नोन फॉर इट्स डिफिट ऑफ नेपोलियन। साउंड्स इंटरेस्टिंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आए हैं वाटरलू में, जो बेल्जियम के वलून रीजन में आता है। सो बॉर्डर्स अभी भी क्लोज्ड है, तो हम बेल्जियम के बाहर कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, तो हम बेल्जियम में ही अलग अलग जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये जगह फेमस है नेपोलियन के लास्ट वॉर के लिए, जो वो हार गया था इधर। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है और स्पेशलिटी इस जगह में, और क्या क्या इन्फो मिलती है इसके बारे में हमें पता चलेगा। इधर म्यूज़ियम है यहाँ पे, और भी एक लायन रॉक का बोलते तला लायन स्टैचू, और यहाँ पे एक लायन स्टैचू है। आई विल टेक इट फ्रॉम हियर। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो ये म्यूज़ियम आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। नेपोलियन के वॉर्स, नेपोलियनिक कोड एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने मिलेगी। क्या आपको पता था कि नेपोलियन अपने एरा में एक भी वॉर नहीं हारा था, एंड उसने ऑलमोस्ट पूरा यूरोप फ्रेंच रूल के अंडर लाया था, इवन वो इजिप्ट तक भी पहुंच गया था। बट ये चीज़ ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई, एंड उन्होंने नेपोलियन से कहा, लेकिन तुम्हें स्केल में हमें हराना होगा, शर्त मंजूर है। ब्रिटिशर्स ने अलायंस फॉर्म की, एंड नेपोलियन और उनके बीच में काफ़ी सारे वॉर्स हुए, बट बैटल ऑफ वाटरलू में फाइनली नेपोलियन हार गया। एंड इसी के रिलेटेड इस म्यूज़ियम में बहुत सारे आपको रेफरेंसेस एंड पिक्चर्स मिलेंगे, बट यहाँ पे एक शॉर्ट मूवी भी है, चलिए वो देखते हैं एंड समझते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ था।
आफ्टर दिस ब्रिलियंट मूवी अभी टाइम है बैटल फील्ड में जाने का. यस, एक्चुअल बैटल फील्ड म्यूजियम के बाहर है, तो वहाँ पे एक लायन स्टैचू भी है और उसकी भी एक क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो चलिए चलते. देखने में तो हाइट इतनी लगती नहीं है बट ये काफ़ी स्टीप है. सो मैथिली ने डिसाइड किया कि वो पहले जाएगी एंड तब तक मैं त्रिधा के साथ बैटल फील्ड में पकड़ा पकड़ी खेल रहा था. नाउ इट्स माय टर्न. सो टोटल 226 स्टेप्स एंड अराउंड 41 मीटर्स के हाइट पे ये लायन स्टैचू है. मैंने वन गो में इसे क्लाइम करने का ट्राई किया बट एज यूजुअल अनसक्सेसफुल. एंड यू वोंट बिलीव गाइस, ऊपर से जो व्यू है इट्स टोटली वर्थ. इस एंगल में कुछ मजा नहीं आ रहा है. लायन स्टैचू 1824 टू 1826 के बीच में बिल्ट हुआ एंड ये उन सोल्जर्स को डेडिकेटेड है जो इस फेमस वॉर में मरे थे. ये स्टैचू टोटली आयरन से बना है एंड इसका वेट अराउंड 28 मेट्रिक टन है. लायन स्टैचू बिल्ड करने का मोटो ये था कि ये ग्लोब को प्रोटेक्ट कर रहा है एंड इट सिंबलाइज द रिटर्न ऑफ पीस टू यूरोप. आई गेस इफ आई रिमेंबर करेक्टली मैं 2 घंटे रुका था जस्ट टू गेट दिस गोल्डन आर ड्रोन शॉट्स एंड आई होप ठीक ठाक आए हैं. सो आप नेपोलियन के बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए. गिव दिस वीडियो लाइक एंड सपोर्ट कीजिए हमें सब्सक्राइब करके. अंटिल नेक्स्ट वीडियो कीप स्माइलिंग. बाय बाय.